बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू योर ओन कुकिंग चैनल कुकिंग फूड सीक्रेट। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो डिश हमारी किचन में बनने जा रही है उसका नाम है बर्गर बंस। चलिए बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बर्गर बंस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल के अंदर ले लेंगे 2 कप मैदा। इसे हम छान लेंगे। दूसरा कप भी शामिल कर लेते हैं, सिफ्ट कर लेंगे। वन टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी चीनी। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। इंस्टेंट ईस्ट या खमीर ये शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, बट लेवल्ड, बहुत ज़्यादा भर के नहीं शामिल करनी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल कर लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे मेल्टेड फॉर्म में ले लीजिएगा, बट मैंने ऐसा चीज़ डाली है जो आमतौर पे अवेलेबल हो घर के अंदर। 1 अंडा, 2 शामिल कर लेंगे इसमें 1/2 कप। पहले इसे किसी स्पून की मदद से हम मिक्स कर लेंगे, बिकॉज जिस भी डो के अंदर हम ईस्ट को यूज़ करते हैं या खमीर का इस्तेमाल करते हैं वो डो हाथों से चिपक जाती है शुरू में, तो बेहतर है पहले आप इसे थोड़ा स्पून की मदद से बैलेंस कर लें और उसके बाद फिर हम इसे हाथ की मदद से गूंद लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं डो की कंडीशन कुछ ऐसे है। अब इस स्टेज पे हम स्पून को हटा देंगे। अब हाथों की मदद से इसे गूंद लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे डो के अंदर, ताकि एक स्मूथ सी डो तैयार हो जाए। साइड पे लगी हुई जो डो है इसे भी हम साथ मेन डो का हिस्सा बनाते जाएंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी इसमें। दूध वाले कप में ही मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लिया था। अच्छे से गूंद लेते हैं डो को। कंटिन्यूसली व्यूअर्स, हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए गूंदना है अच्छे से, ताकि स्मूथ डो तैयार हो जाए हमारी। जी व्यूअर्स, डो हो चुकी है हमारी तैयार। बस अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ले लेना है ऑयल। थोड़ा सा ऑयल के साथ हमने इस डो को अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि जब ये रेज हो तो रेज होते ड्यूरेशन में इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो ड्राई ना हो। इसके अलावा हम बोल के अंदर भी अच्छे से ऑयल को लगा देंगे। सारे ही बोल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि डो बहुत ही आराम से रेज हो सके और बोल के वॉल के साथ चिपके ना। जी व्यूअर्स, डो को अच्छे से ग्रीस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम कवर करके रख देंगे अपने बोल को। अच्छे से हमने कवर कर लेना है इसे, ताकि डो जो है वो रेज हो जाए। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसे कवर किया है थिन पेपर के साथ। अगर आपके पास ये पेपर ना हो तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप यहाँ पर एक मोटे कपड़े से इसे कवर करके रख दें तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। जी व्यूअर्स, लगभग 2 घंटे गुजर चुके हैं, डो हमारे अच्छे से राइज हो चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट डबल इन इट्स साइज। तो अच्छे से हम दोबारा गूंद लेंगे, ताकि एक स्मूथ सी शेप इसकी आ जाए। डस्ट करेंगे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मैदा। ऑयल निकाल लेते हैं सारा जो हमारा डो है। अच्छे से स्मूथ करेंगे इसे।
अब हम इस डो को डिवाइड कर लेंगे इक्वली। हमने पेड़े बना लेने हैं और इन पेड़ों को एक बेकिंग ट्रे जिसे मैंने फ्रीज करके रख दिया था इसमें हम रख लेंगे। बाकी सारे फ्लोर के भी पेड़े बना लेंगे। बेकिंग ट्रे के अंदर हमें खास फासले पे रखेंगे क्योंकि अभी इन्हें मज़ीद एक्सपेंड होना है तो इनके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि ये अच्छे से एक्सपेंड हो सके। अभी हमने इसे डायरेक्टली बेकिंग पे नहीं डालना, अब हम इन्हें थोड़ी देर मज़ीद कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि मज़ीद डो राइज हो जाए। और उससे पहले हमें एक काम करना है कि इसको कवर कर देना है मेल्टेड बटर के साथ या ऑयल के साथ ताकि इसके ऊपर सख्त सी लेयर ना आए और हमारे बन ख़राब ना हो। कोट कर लेंगे इसे ऑयल के साथ और कोट करने के बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट। कवर कर लेते हैं इसे शीट के साथ और डो को राइज होने देते हैं मज़ीद 10 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, लगभग 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम देख लीजिए जो हमारे बंस हैं वो अपने साइज में मज़ीद थोड़ा इन्हेंस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक एग योक ले ली है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। एक ब्रश की मदद से अप्लाई कर लेंगे। अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर सेसमी सीड्स यानी वाइट जो तिल हैं वो थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर। जी तो व्यूअर्स, बन हमारे यहाँ तक हो चुके हैं तैयार। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे बेकिंग की तरफ। जी व्यूअर्स, एक पतीला मैंने लिया है, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है और इस पतीले को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया है। पतीला हो चुका हमारा गर्म, अब इसमें मैं रखती हूँ जो हमारी बेकिंग ट्रे है उसे। जी व्यूअर्स, अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने लिड को कवर करके रख देना है। तकरीबन हम इसे 45 मिनट के लिए बेक करेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट देखते हैं। ओके जी, 45 मिनट हो चुके हैं तकरीबन हमें इन्हें बेक करते हुए लो फ्लेम के ऊपर। अब आप कलर देख सकते हैं, बाहर से ही अच्छा सा नज़र आ चुका है। बन हमारे तैयार हो चुके हैं, देखिए निकाल लेंगे डिश को और थोड़ी देर के लिए इन्हें ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद आपको सर्व करके शो कर दी। ओके जी, प्रेजेंट कर चुकी हूँ मैं बंस को आपको शो करूँ। अगर तो रिजल्ट देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा अपने कमेंट्स के जरिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन।